हरियाणा रोडवेज की ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा 16 और 17 अक्टूबर को चक्का जाम करने की घोषणा की गई है। हरियाणा रोडवेज की यूनियन 720 निजी बसों को किलोमीटर स्कीम के तहत रोडवेज के बेड़े में शामिल करने का विरोध कर रही है। 5 सितंबर को भी हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम करने की घोषणा की गई थी, लेकिन हड़ताल कामयाब नहीं हो सकी थी। कर्मचारी नेता इस बार हड़ताल में सभी यूनियनों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा रोडवेज प्रबंधन का दावा है कि नई भर्ती किए गए चालकों और परिचालकों के सहयोग से एक बार फिर हड़ताल को नाकाम कर दिया जाएगा। आइए सुनते हैं दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी दावों को। जो पीछे 5 सितंबर की जो हड़ताल थी वो ज्वाइंट एक्शन कमेटी की थी, और हमने इस बात से सबक लेते हुए पूरे प्रदेश के कर्मचारी संगठनों से बातचीत करके ना और यह तय किया कि भी जब रोडवेज को बचाना है तो वो किसी एक संगठन की, एक व्यक्ति की या किसी रोडवेज की ये हड़ताल नहीं है, बल्कि ये निजी संपत्ति नहीं है, ये पूरे प्रदेश की जनता की संपत्ति है, और इसको बचाने के लिए सभी यूनियनों का फर्ज बनता है कि हम एक मंच पर आके लड़े। और सभी यूनियनें आज रोडवेज की तालमेल कमेटी के साथ और कल 16-17 अक्टूबर को प्रदेश का पूरी तरह से चक्का जाम रहेगा। पिछली बार आपने देखा होगा कि पीछे भी हमने पूरी जिला प्रशासन की मदद से स्ट्राइक को फेल किया था, और अब कई बार भी सरकार के आदेशानुसार और जिला प्रशासन के आदेशानुसार हमने पूरी तैयारी कर रखी है, और अब की बार भी पूरे अच्छे से निपटेंगे। हमारे पास 2018 में चालक भर्ती किए गए थे, उनको भी हमने नोटिस द्वारा सर्व कराया है कि आप हड़ताल में ना जाएं, और अगर हड़ताल में जाएंगे आप विदाउट एनी नोटिस उनकी सर्विस कल ही टर्मिनेट कर दी जाएंगी। और कुछ हमारे पास पिछले 2016 की भर्ती है चालक हमारे पास, वो भी अवेलेबल हैं, उनको हमने मोटिवेट भी किया है, समझाया भी है कि आपकी सर्विस विदाउट नोटिस के कभी भी टर्मिनेट की जा सकती है, इसलिए हमें उम्मीद है कि वो सभी चालक परिचालक हमारी ड्यूटी पर आएंगे और हम स्मूथली गाड़ियां चलाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हड़ताल के संबंध में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज करवाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।